दोस्तों, आज का ये वीडियो बेसिकली उन लोग के लिए है जो अपना लाइफ में एक बार दो बार फेल होके हार मान लेते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। अक्सर आपने सफलता की और सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेलियर स्टोरीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेस बनना है तो आप सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा फेलियर स्टोरीज के बारे में पढ़े, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज हमेशा आपको केवल अच्छे और सफल क्षण के बारे में बताएगा, लेकिन फेलियर स्टोरीज आपको ये बताएगा कि आप किधर गलतियां कर रहे हैं। इसलिए फेलियर स्टोरीज पढ़ना और उसे सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका लाइफ का हर वो काम सक्सेस हो, लेकिन इसके लिए आप अगर प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप सक्सेस नहीं बन सकते। मुसीबतें और फेलियर ये तो हम लोग का जीवन का एक सच्चाई है। कोई इस बात को मान लेते हैं और कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फेमस सक्सेस पर्सन के बारे में बताऊंगा जिसे आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ उन लोगों के सफलता के बारे में जानते हैं। सफलता के पीछे जो हार्डवर्क, मेहनत और फेलियर्स हुए हैं वो शायद आप नहीं जानते। नंबर एक, एप्पल, जो दुनिया का सबसे जाने मानी कंपनी में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स एक समय जिनका आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण उन्हें कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। और यही नहीं, उनका लाइफ में ऐसे भी दिन आए थे जब उनके पास खाने का पैसा भी नहीं थे और वे घर से 7 किलोमीटर दूर हरिकृष्णा टेम्पल में जाते थे खाना खाने के लिए। इवन किराए का पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने अपना दोस्त के घर जमीन पे भी सोए थे। इतनी कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपना आर्थिक परिस्थिति के सामने अपने सपनों को झुकने नहीं दिया। फिर कुछ कारणवश उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया और वे रोड पे चले आए थे, पर फिर भी कभी भी हार ना मानते हुए अपना जीवन में हर वो मुश्किल और कठिनाई का सामना किया। नंबर दो, रतन टाटा। दोस्तों, टाटा एंड टाटा ग्रुप कंपनी को आज भला कौन नहीं जानता, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। पर क्या आप जानते हैं, टाटा एंड टाटा ग्रुप कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए रतन टाटा ने कितना मेहनत, संघर्ष और मुसीबतों का सामना किया था। उनका पहला बिजनेस टीवी और रेडियो बनाने वाले नेल्को कंपनी आर्थिक मंदी के कारण उन्हें बंद करना पड़ा था। फिर जब उन्हें टाटा ग्रुप का बिजनेस एक्सप्रेस मिल को सौंपा गया, तब उनका वो बिजनेस भी फ्लॉप रहा। सन 1998 जब उन्होंने पहली बार पैसेंजर कार इंडिका की लॉन्चिंग की, तब मार्केट में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण उनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस भी काफी नुकसान में चला गया था। इवन टाटा मोटर्स को बेचने का भी नौबत आ गया था, पर फिर भी कभी भी उन्होंने हार नहीं माना और अपना जीवन में हर वो मुश्किल और कठिनाई का सामना किया। नंबर तीन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि गरीब पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, पर गरीब होके मरना ये आपकी गलती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक समय एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका पिता एक माली थे। 15 साल की उम्र में ही उनका पिता का डेथ होने के कारण परिवार का सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गया था। उनका माँ दूसरों के घर में काम करने जाते थे। बचपन में उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने कहा तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते, लेकिन लाखों मुसीबत आने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपना पैशन को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हमेशा अपना पैशन को फॉलो करते थे। और दोस्तों, ये सच है, अक्सर सक्सेस वो ही होते हैं जो अपना पैशन को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 96% लोग अपना पैशन को फॉलो नहीं करते, और यही 96% लोग उन 4% लोग के लिए काम करते हैं जो अपना लाइफ में 100 बार हारने के बावजूद भी अपना पैशन से कभी भी गिव अप नहीं करते। दोस्तों, भीड़ में मत चलिए, अपना पैशन को फॉलो कीजिए, अपना टैलेंट को ढूंढ निकालिए और उसके ऊपर जी जान लगा दीजिए। अब देखना, एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। नंबर चार, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ने का कारण उन्हें इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत प्रॉब्लम होता था। अपना आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण वह कॉलेज भी ठीक से कंप्लीट कर नहीं पाए। फिर जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, बदकिस्मती से उनका बिजनेस भी चला नहीं और 2005 में वो बैंकक्रप्ट हो गए। हालात इतनी खराब थी कि उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं थे, लेकिन आज वही लड़का इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर है। नंबर पाँच, APJ अब्दुल कलाम, जो इंडिया का 11th प्रेसिडेंट रहे, जिनका पिता एक समय नाव चलाया करते थे। परिवार और पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए वह पेपर भी बेचे। बचपन से उन्हें शौक था कि वह एक एयरफोर्स बने, लेकिन जब वह इंटरव्यू देने गए तब 25 कैंडिडेट में से सिर्फ 8 कैंडिडेट्स को ही लिया गया और उनका रैंक 9th आया। उनका एयरफोर्स बनने का सपना एकदम टूट चुके थे, लेकिन उनका मेहनत, लगन और संघर्ष ने उन्हें उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया और वह इंडिया का 11th प्रेसिडेंट रहे, जिनके अंडर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स थी। नंबर छह, KFC, जिनका चिकन रेसिपी आज पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि एक समय 1009 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। पर KFC के फाउंडर कॉर्नल सैंडर्स ने कभी भी अपना लाइफ में हार नहीं माना और कोशिश करते गए और 65 इयर्स की उम्र में उन्हें सक्सेस मिला और आज KFC 118 कंट्रीज में पाए जाते हैं। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है
कि अगर आपका टारगेट ठीक रहता है तो आपका उम्र कोई मायने नहीं रखता, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया। नंबर 7, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बिजली के बल्ब आविष्कार की। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिजली के बल्ब बनाने के समय थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए थे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार असफल नहीं हुए, मैंने 1000 बार ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जो काम नहीं आते। नंबर 8, नवाजुद्दीन। बचपन से ही उन्हें शौक था कि वह बॉलीवुड का एक्टर बने, लेकिन अपने काले रंग और आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण उन्हें कहीं पे चांस नहीं मिला, और वह मुंबई चले आए, और कोई भी काम नहीं मिलने के कारण उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम भी किए, पर अपना सपनों के पीछे भागना कभी नहीं छोड़े, और लगातार 10 साल रिजेक्शन होने के बाद उन्हें चांस मिला, और आज भला कौन नहीं जानता उन्हें, जो कि अभी बॉलीवुड का जाने माने एक्टर में से एक है। नंबर 9, एमिनेम, जो दुनिया का सबसे टॉप रैप आर्टिस्ट है। एक समय जिनका गरीबी और ड्रग का नशा ने उन्हें सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर दिया था, बट कुछ कारणवश वो बच गए, और यही नहीं, उनका अपना ही मॉम ने उनके ऊपर केस भी किया था, और शादी होने का कुछ ही दिनों में उनका डिवोर्स हो गया। अब इन परिस्थिति में एक आदमी मेंटली कितना वीक हो सकता है, बट फिर भी उन्होंने अपना जीवन में हर वो मुश्किल और कठिनाई का सामना करके एक कामयाब इंसान बन के दिखाया। नंबर 10, जैक मा, जो चाइना का सबसे टॉप 30 पर्सन में से एक है, और दुनिया का 33वां सबसे अमीर व्यक्ति, जो कि एक समय एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका बचपन कोई खास नहीं था, वो पढ़ाई में बहुत ही कच्चे थे, क्लास 4 में 3 बार और क्लास 8 में 2 बार फेल हुए थे, और आप सुन के हैरान होंगे, उन्होंने 30 बार से भी अधिक बार इंटरव्यू में फेल हुए, और बहुत सारा बिजनेस भी ट्राई किए, लेकिन कहीं पे उन्हें सक्सेस नहीं मिला। हर जगह फेलियर्स उनको घिरे रखे थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपने आप पे बहुत भरोसा था, और लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली Alibaba.com वेबसाइट को बनाया, जो अभी दुनिया का सबसे टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट में से एक है। क्या आपने कभी अपना लाइफ में इतनी बार फेल हुए? क्या आपने कभी 30 बार इंटरव्यू में रिजेक्शन हुए थे? नहीं ना, पर जैक मा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक आत्मविश्वास था, और इसलिए इतनी सारी फेलियर्स आने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं माना और कोशिश करते गए। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इफ यू डोंट फेल, यू डोंट लर्न। इफ यू डोंट लर्न, यू विल नेवर चेंज। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।